जीएस रहने दो, फिटर रहने दो, कोई भी रैंक रहने दो भाई, मर्चेंट नेवी में हो देन आप लोग को इमर्सन सूट के बारे में मालूम ही होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है सभी मरीनर्स के लिए, सभी सीफेयर्स के लिए। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए। ये जब सब नॉर्मली आपको जहाज ही मिलेंगे वो वही सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब वेसल सिंक होता है, उन जो लोग बच के आए उनको पूछोगे इसकी वैल्यू, तब आप लोगों को आइडिया आएगा। सो हेलो गाइस, इमर्सन सूट क्या है आप लोगों को मालूम ही होगा, आपने अगर पढ़ाई की है देन आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा। और अगर आप ट्रेनिंग में जाने वाले हो देन आप लोगों को पहले से अगर पता चल जाए देन बहुत अच्छी बात है। इमर्सन सूट आपको एक्चुअली सभी शिप पे रहता है, एस पर सोलास रिक्वायरमेंट रहता ही है। सो इमर्सन सूट का यूज़ क्या है एंड उसका लोकेशन क्या रहता है और क्यों रहता है जहाज पे और कौन से टाइप के रहते हैं, दो टाइप के रहते हैं। सो मैं सभी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सो हेलो गाइज, मैं वल्केश सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान इट्स सी फेयर्स वॉइस। सो आप लोगों को मैं इमर्सन सूट पहन के भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बता देना चाहूँगा कि जितने भी केबिन रहते हैं जहाज पे उसी सभी केबिन में इमर्सन सूट एंड लाइफ जैकेट रहता है। ये मैं आप लोगों को अभी लोकेशन भी दिखा देता हूँ एंड इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि जब कभी वेसल डूब जाता है तब आप लोगों को लाइफ जैकेट एंड इमर्सन सूट पहन के जाना रहता है। सो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप कहीं जहाज डूब गया वहाँ पे ठंडी वाला प्लेस है या गर्मी वाला प्लेस है, लेकिन ठंडी वाले प्लेस में तो आप लोगों को पहनना ही पहनना है, नहीं तो आप 2-3 घंटे में ही ख़त्म हो जाओगे। लेकिन अगर कहीं गर्मी वाले प्लेस में भी इन केस आप गिर गए देन आप लोगों को जैसे मालूम है हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 to 37 के बीच में रहना चाहिए। आपको मालूम होगा 37 से ज़्यादा होगा तो बोलते हैं सब फीवर हो गया, और 36 से कम होना स्टार्ट हो जाता है देन आप लोगों को एक हाइपोथर्मिया करके चीज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग, जो ह्यूमन बॉडी के अंडर की जो हीट जो लॉस होना चालू होती है उसको हाइपोथर्मिया करके बोलते हैं। सो हाइपोथर्मिया में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है देन आपको फील शिवरिंग फील होगा, शिवरिंग फील और भी टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा देन आपका बॉडी जो सुन्न हो जाएगा, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, हल्का सा बस आपका माइंड काम करेगा। और उससे भी ज़्यादा अगर आपका बॉडी का हीट लॉस हो जाएगा देन आपका ब्रेन भी ख़त्म हो जाएगा, सो आपकी ओवरऑल मतलब की डेथ हो जाएगी। सो हाइपोथर्मिया का मतलब यही है कि आपके बॉडी के अंदर की हीट जब लॉस होना स्टार्ट हो जाती है तब आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो मेन बेसिकली इसीलिए हम लोग को इमर्सन सूट जहाज पे दिया जाता है कि कहीं पे भी इनकेस पानी में गिर गए देन आपको वो पहन के जाना है। वो क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर की हीट है वो कम करता है, बाहर तो जानी ही जानी है लेकिन बहुत कम कर देता है कि आपकी हीट जल्दी लॉस ना हो। मैं आप लोगों को अभी लोकेशन भी दिखा देता हूँ, सभी केबिन्स में रहते ही है, सभी जहाज पे रहते ही है। सो मैं आप लोगों को लोकेशन अभी दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा लाइफ जैकेट का सिंबल एंड ये है हमारा इमर्सन सूट का सिंबल। सो इस तरह से हमारा आप देख सकते हो इसमें लाइफ जैकेट एंड इमर्सन सूट रहता ही है। सो मैं आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। मैं अभी जस्ट आप लोगों को पहन के डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, सो आप लोगों को अच्छे से आइडिया आ जाएगा। और सभी जहाज पे एलिवेज वगैरह में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पहनने का, वो सभी जगह पे सिंबल लगा ही रहता है। सो मैं आप लोगों को वो सिंबल भी अभी बाहर पहनने के लिए जाऊंगा तब आप लोग को दिखा दूंगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इमर्सन सूट दो टाइप के रहते हैं, उसमें से एक है फ्लोटेबल और दूसरा है नॉन फ्लोटेबल। सो फ्लोटेबल में क्या रहता है कि सभी जहाज पे मतलब नहीं रहता है ऐसा, बहुत कम वेसल पे मैंने देखा है। सो फ्लोटेबल मतलब कि आप जब जहाज डूब गया तब अपनी जान बचाने के लिए अगर आप वो इमर्सन सूट पहन के कूद गए तो भी चले, और मैक्सिमम वेसल पे आप लोगों को नॉन फ्लोटेबल ही मिलेगा, तो आप लोगों को वो इमर्सन सूट पहनना है, उसके ऊपर लाइफ जैकेट पहनना ही पहनना है। क्योंकि अगर खाली इमर्सन सूट पहन के आप गिर गए पानी में देन ख़त्म वहीं पर हो जाएगा। आप तैरना अगर आता है नहीं आता है उससे मतलब नहीं है, रफ वेदर में
बचना बहुत मुश्किल है। सो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ। देखा वैसे ही पहनना है और ऐसे ही और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और भी बहुत सारे इमरजेंसी आइटम्स के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो आपके दोस्तों को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी जब अगर फर्स्ट टाइम जाने वाले होते हैं उनको अभी आइडिया रहे जहाज पे कैसे क्या पहनना रहता है और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज के इस वीडियो में। तब तक के